यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा और उनके बेटे आश्रय शर्मा ने आचार संहिता का स्वागत किया है। आपको बता दें, आश्रय शर्मा मंडी सीट से बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का 5 सालों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उससे पहले देश में आम चुनाव होना तय थे। पाँच साल का समय ख़त्म हुआ केंद्र सरकार का, और 5 साल के कामकाज के ऊपर लोग मोहर लगाने जा रहे हैं, और आचार संहिता लगने के बाद सरकार के जो हमारे काम होते हैं तब तक के लिए हमें विराम लगा जब तक के लिए आचार संहिता लगी हुई है। कुल मिलाकर जो लगता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रदेश के अंदर जो मतदाता है, मतदाता उसको एक तरह से जो है उसको आशीर्वाद देंगे, और दोबारा जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है केंद्र में बनेगी। और जो मुझे लगता है, क्योंकि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव केंद्र सरकार का रहता है, जहां साल सवा साल के अंदर बहुत योजनाएं, बहुत से काम केंद्र सरकार की, हजारों करोड़ों की जो हमें मदद मिली है वो भी केंद्र सरकार की देन, तो इसलिए लगता है कि लोग जो हैं बड़ी बुद्धिमत्ता से वोट डालेंगे और हम काम के ऊपर ही जनता के बीच में जाएंगे।